ट्विटर में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कंपनी में कई बदलाव किए हैं। अब ट्विटर ने कर्मचारियों से कहा कि कंपनी के सभी ऑफिस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ट्विटर चीफ एलन मस्क ने कहा कि जो कर्मचारी कंपनी के नए नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं वो कंपनी छोड़ सकते हैं। ट्विटर ने अब अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है और बैज एक्सेस को भी 21 नवंबर तक बंद कर दिया है। मस्क के नए फरमान के बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया। दरअसल एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के कर्मचारियों को 12 घंटे काम, वर्क फ्रॉम होम खत्म होने जैसे कई नियमों को लेकर ईमेल भेजा था। इसी आदेश के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ट्विटर छोड़ दिया। मस्क ने ईमेल में यह भी कहा कि ट्विटर को और मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को तेज गति से लंबे समय तक काम करना होगा। ईमेल में कहा गया था कि गुरुवार 17 नवंबर तक हस्ताक्षर नहीं करने वाले कर्मचारी 3 महीने का अनिवार्य वेतन लेकर कंपनी छोड़ सकते हैं। कई कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने का फैसला करने के तुरंत बाद ट्विटर ने एक और ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया कि कंपनी अस्थायी रूप से सभी कार्यालयों को बंद कर रही है और 21 नवंबर तक बैज एक्सेस को भी बंद कर दिया है। मस्क के ट्विटर का अधिग्रहण करने से पहले कंपनी में करीब 7500 कर्मचारी थे, लेकिन बड़े पैमाने पर छटनी के बाद अब लगभग 50% वर्कफोर्स कम हो गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने के साथ वर्कफोर्स और कम हो गया है। एलन मस्क के ईमेल के बाद इस्तीफा देने वाले ट्विटर कर्मचारियों का सही आंकड़ा तो नहीं पता चला है, लेकिन बताया गया कि यह संख्या सैकड़ों में है। कंपनी में 10 साल से अधिक समय बिताने वाले कुछ बहुत पुराने विश्वसनीय कर्मचारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर के इंजीनियरिंग के डीएम ने भी ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। आपको बता दें कि नौकरी से निकाले जाने के बाद एलन मस्क ने कई लोगों को वापस बुलाया था। मस्क ने कहा था कि कोई चाहे तो कंपनी में वापसी कर सकता है, लेकिन यदि कोई वापसी से मना करता है तो उसे 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये मीटिंग इसी संदर्भ में बुलाई गई थी और लोगों को फैसला लेने के लिए डेडलाइन दी गई थी। मीटिंग में एलन मस्क ने कहा था कि हम जीतेंगे और इस जीत का अगर कोई हिस्सा बनना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर में जो लोग बचे हैं उन्हें यह तय करने के लिए 36 घंटे का समय दिया गया है कि वो ट्विटर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। एलन मस्क के मालिक बनने के बाद ट्विटर पर #RIPTwitter, #TwitterDown, Mastodon और MySpace ट्रेंड कर रहे हैं। इन इस्तीफे में कई इंजीनियर और डेवलपर्स शामिल हैं जो बग फिक्स कर रहे थे और सर्विस आउटेज को कंट्रोल कर रहे थे। वीडियो डेस्क, AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।